गुनगुन नाम का एक शरारती चूहा था। जब देखो तब हमेशा शरारत ही करता रहता। हर कोई उसकी शरारतों से बहुत परेशान था। एक दिन एक साधु बाबा जंगल से गुजर रहे थे, तभी चूहा झट से उनके पास गया और बोला, इस रास्ते पे मत जाइए, वहाँ पर भेड़िया है, शिकार की फिराक में है, कहीं आपको खा ना ले। आइए मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। गुनगुन ने बाबा जी को दूसरा रास्ता दिखाया और बाबा जी ने खुश होकर गुनगुन को आशीर्वाद दिया। तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छे हो चूहे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसी तरह तुम्हारा शरीर भी बहुत विशाल हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, मगर याद रहे, ना तो झूठ बोलना और ना ही कभी किसी की मदद करने से हिचकिचाना। ऐसा कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। गुनगुन अब एक विशाल चूहा बन जाता है, लेकिन अब वो अपनी इस विशाल काया का गलत इस्तेमाल करने लगता है, सबको और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। इसी तरह चलता रहता है, जानवर उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले ही गुनगुन बहुत शरारती था, अब विशाल होने के बाद वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करने लगा। एक दिन जब फिर से बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने चूहे और बिल्ली की बात सुन ली। चूहे ने कहा, सुनो, सब आज के बाद मेरे कहे के मुताबिक ही चलेंगे, जो मैं कहूँगा वही होगा। बाबा जी का आशीर्वाद है मुझे, अभी तो मैं और विशाल हो सकता हूँ, लेकिन मैं होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि फिर तुम मुझसे बहुत डर जाओगे। चलो चलो, मेरे लिए अच्छा सा भोजन लेकर आओ, कोई नाच के तो दिखाओ। तब बिल्ली कहती है, बाबा जी ने तो तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, तुमने उनसे झूठ कहा था, वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो मस्ती कर रहा था और वो बाबा मुझे सच समझ बैठा, तो मैं क्या करूँ। यह सुनकर बाबा जी तुरंत सामने आ जाते हैं और अपने श्राप से पहले से भी ज्यादा छोटा कर देते हैं विशाल चूहे को। और यह देखकर जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगते हैं और बाबा कहते हैं, आज के बाद कभी किसी के साथ इस तरह मत व्यवहार करना, मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हें इसीलिए विशाल शरीर दिया था कि तुम्हारा मन विशाल था, मगर आज पता चला तुम एक शैतान हो। गुनगुन जाओ, इतने छोटे हो गए हो, किसी के भी पैर के नीचे आकर मर जाओगे। गुनगुन अपनी गलती की माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तब कहीं जाकर बाबा जी उसे पहले जैसा रूप दे देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। स्कूटर चलाने वाला खरगोश। रंजनपुर के जंगलों में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल में खरगोश की एक झुंड भी रहती थी। सारे खरगोश बहुत नटखट थे, वहां पर जानवरों को बहुत तंग करते थे, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे। उसी तरह खरगोशों को बहुत सारे जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली और हिरन बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन जंगल के पास ही गांव में एक सर्कस कंपनी वाले सर्कस लगा रहे थे। तभी उस सर्कस कंपनी के एक आदमी एक स्कूटर लेके जंगल में जा रहा था। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है, इस जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते होंगे, एक दिन सभी जानवरों को देखेंगे। ऐसा बोलकर आगे गया, तभी उसकी स्कूटर अचानक रुक जाती है। उतरकर देखा और स्टार्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुआ। फिर स्कूटर को वहीं छोड़कर चला जाता है। ये सब पेड़ों के पीछे से खरगोश देख रही थी, धीरे धीरे आकर स्कूटर को देखा। अरे वाह, ये स्कूटर तो बहुत अच्छी है, इस स्कूटर पे बहुत तेजी से जा सकता हूँ। खरगोश स्कूटर पे चढ़ते हुए देखकर सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और शेर भी वहाँ पर आ जाता है। तभी खरगोश ने ऐसा बोला, अरे शेर महाराज, इस स्कूटर पे मैं आपसे भी बहुत तेजी से जा सकता हूँ, सबसे तेजी से जाऊंगा। ओ मेरे प्यारे खरगोश, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे आगे कोई भी स्कूटर काम नहीं कर सकता। अच्छा,
तो चलो हम एक रेस लगाएंगे। खरगोश किसी भी तरह स्कूटर को स्टार्ट कर लेती है, फिर शेर और खरगोश रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। हाथी ने अपना सूंड हिलाकर रेस को शुरू कर देती है। खरगोश अपने स्कूटर पे और शेर दौड़ता हुआ शुरू हो जाते हैं। पहले स्कूटर पे खरगोश शेर से बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि स्कूटर तो एक मशीन है। लेकिन थोड़े देर के बाद शेर को गुस्सा आ जाता है और जोर से दहाड़ कर तेजी से दौड़ने लगता है। देखते ही देखते शेर रेस को जीत भी जाता है और सारे जानवर खरगोश पे हंसने लगते हैं। फिर शेर ने ऐसा बोला, उदास मत हो खरगोश, ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए कि हमारे ताकत के सामने ये स्कूटर तो कुछ भी नहीं है। ये तो मानव का बनाया हुआ एक चलने का साधन है। लेकिन मैंने देखा कि यह बहुत तेजी से जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि यह आपसे भी तेजी से जा सकता है। तभी शेर ने बोला, ये कुछ जानवर जैसे बिल्ली, हाथी और कछुए से तेज जा सकती है। तभी खरगोश शेर की बातें समझकर छोटे जानवर जैसे बिल्ली, कछुआ और हिरण को लेकर स्कूटर पे जंगल में सैर के लिए जाती है। स्कूटर पे चढ़कर तेजी से जाने से सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन सर्कस का आदमी वहां आकर स्कूटर को ले जाता है, लेकिन खरगोश तो उससे ही पहले स्कूटर की पूरी मजा लेती है। विशाल खरगोश की कहानी। बदलापुर नाम के एक शहर में पागल पिंटू करके एक नौजवान रहता था। वो उसके मम्मी पापा के साथ रहता था। उसको पागल इसलिए बोलते थे कि वह हर रोज कोई ना कोई पौधा और पत्ते को लाकर घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। एक बार ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके उस मिश्रण को उसके दोस्त को पिला दिया। उसका दोस्त अगले दिन तक पूरा काला हो गया। तभी उसकी माँ पागल पिंटू के घर आकर उसकी माँ से ऐसी बोली, अरे ओ पिंटू की माँ, देखो तुम्हारा पागल बेटे ने क्या किया है, उसने मेरे गोरे बेटे को काला बना दिया है, बुलाओ अपने पागल पिंटू को। अरे ओ पागल पिंटू, बाहर आओ, देखो ये तुमने क्या किया है, जल्दी इसको फिर से गोरे होने की दवाई दो। मम्मी जी, मेरे पास इसके लिए दवाई नहीं है। आजी सुनते हो, संभालो अपने पागल बेटे को, नहीं तो ये कुछ दवाई बनाकर हम दोनों को मार डालेगा। अरे नहीं भगवान, मेरा बेटा पिंटू एक दिन साइंस में एक्सपेरिमेंट करके नोबेल प्राइज जीतेगा। पिताजी ऐसे बोलने पर पिंटू एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ता। फिर से वह जंगल जाकर कुछ पौधे, पत्ते और पत्थर लेके आता है और दो दिन मेहनत करके एक दवाई बनाता है, जिसको पीने से कोई भी बहुत बड़ा विशाल आदमी बन जाता है। पापा ये देखो मैंने क्या बनाया है, ये दवा हर किसी को जाइंट विशाल आदमी बना देता है। अरे बाप रे, ये कैसा दवाई है रे। ठीक है उसे संभाल के रखो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पुलिस हमको अंदर कर देगी। पापा ऐसे बोलने से पिंटू नाराज हो जाता है। फिर उसने जंगल से एक खरगोश को लाकर उस दवाई को परीक्षा करने के लिए उस खरगोश को पिला देता है और जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही एक बड़ा विशाल जायंट खरगोश उसके घर के सामने सो रही थी। तभी वह जाकर उसे उठाता है। खरगोश उठते ही गांव के बाजार में जाकर सारे दुकानों पर टूट पड़ती है। उसे बहुत भूख थी, इसीलिए सब्जी मंडी जाकर सारे सब्जियों को खा जाती है। बाद में खरगोश खेतों की तरफ जाकर सारे केले की फसल को खा जाती है। फिर सारे लोग उस विशाल खरगोश को देखकर हैरान हो जाते हैं और सरपंच के यहाँ आकर शिकायत करते हैं। तभी सरपंच ने पिंटू को बुलाकर, क्या रे पागल पिंटू, तुम तुरंत उस विशाल खरगोश के साथ कुछ कर, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुरंत पिंटू ने एनिमल वेलफेयर वाले को बुलाकर उनको जायंट खरगोश को दिखाता है। तुरंत उस खरगोश को एक बेहोश होने की सुई लगाकर एक गन से उसे शूट करते हैं। तभी वह बेहोश हो जाती है। फिर सारे मिलकर उसको एक बड़े से ट्रक में डाल देते हैं, जू लेके जाते हैं।
ऐसा पागल पिंटू ने सारे गांव वालों को उस जैन खरगोश से बचाता है। एक जंगल में एक मादा जीब्रा उसके परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी पति के साथ बहुत खुशी से रहने लगी। उसको जंगल में बहुत सारे दोस्त थे, जैसे कि खरगोश, लोमड़ी और हाथी भी। एक दिन जीब्रा खाने की तलाश में जंगल में भटक रही थी, तभी अचानक उसकी पेट में दर्द शुरू हो गई। तभी उसकी डॉक्टर दोस्त हाथी आकर जांच करती है। अरे मेरे दोस्त, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो तुम घर में ही रहना। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब जीब्रा जंगल में भटक रही थी, अचानक बहुत जोर सी बारिश और तूफान आ गया। जीब्रा को पता नहीं चला किस तरफ जाना था, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी जीब्रा एक तरफ से निकल पड़ी और अंधेरा हो गया। जब सुबह उठकर देखा तो गर्भवती जीब्रा एक बड़े रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वहां पर कुछ भी नहीं था, ना पीने के लिए पानी या खाने के लिए खाना। तभी एक ऊंट उसको देखता है। अरे जीब्रा, तुम इधर कैसे पहुंच गई? तुम यहाँ पर नहीं रह सकोगे, ये एक रेगिस्तान है। हाँ मुझे मालूम है, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं जिस जंगल में रहती थी उसमें बहुत बड़ी बारिश और तूफान हो गई थी और अंधेरा हो गई। जब सुबह उठकर देखा तो मैं यहाँ पर हूँ। तुम शायद भागकर रास्ता भटककर रेगिस्तान पहुँच गई हो। ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूँगा। जल्दी कुछ करो, क्योंकि मैं अभी गर्भवती भी हूँ, मुझे बहुत भूख और प्यास भी लगी है। ओह ऐसी बात है, मैं तो पानी के बिना एक महीने तक रह सकता हूँ, लेकिन तुम गर्भवती होने के कारण मैं अभी तुम्हें एक ओयासिस के पास लेके जाता हूँ, मैं यहाँ का छप्पा छप्पा जानता हूँ। ऐसा बोलकर ऊंट ने जीब्रा को एक ओयासिस के पास लेके जाती है। वहाँ पर पानी और घास देखती है। जीब्रा खुश होकर बहुत सारा घास खाती है और पानी भी पीती है। तभी ऊंट जाकर उसके मालिक को जीब्रा के जंगल के बारे में पूछता है। तभी उसके मालिक ऊंट को जंगल तक जाने का रास्ता बोल देता है। तभी ऊंट ने, शुक्रिया मालिक, देखो जीब्रा, ये रास्ता बहुत कठिन है और रेगिस्तान में बहुत धूप है। एक काम करो, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे जंगल तक पहुंचा देता हूँ। अरे तुम मुझे उठा सकते हो क्या? तुम घबराओ मत, मैं भारी वजन उठाकर रेत पे चल सकता हूँ। ऐसा बोलते ही ऊंट नीचे झुकती है और जीब्रा ऊंट पर चढ़ जाती है। फिर ऊंट ने सुरक्षित जीब्रा को अपने जंगल तक छोड़ देता है। वहां पर जीब्रा के पति और उसके दोस्त गर्भिणी जीब्रा को ढूंढ रहे थे। जीब्रा को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिन में जीब्रा एक छोटी सी जीब्रा को जन्म भी देती है।